Hello, guys, welcome to my YouTube channel Learn with BS. If you are new to my channel, let me tell you, you will find many more grammar lessons, English literature lessons on this video, on this channel. So, if you are new to my channel, do visit my channel Learn with BS for more videos. And uh, if you like this video, please press the like button, share it with your friends, and do subscribe for upcoming videos. सो टुडेज इंग्लिश ग्रामर टॉपिक विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो इज डिटमिनस की डिटमिनस इट इज वेरी स्मॉल ग्रामर टॉपिक बट आई हैव सीन मैनी अ टाइम्स स्टूडेंट फाइंड इट वेरी कन्फ्यूजिंग द मोमेंट दे सी यू वर्ड दिस डिटर्मिनस दे गेट कन्फ्यूज ये डिटर्मिनस होता क्या है की बट लेट मी टेल यू दिस इज वेरी इजी वेरी स्मॉल ग्रामर टॉपिक सो लेट्स स्टार्ट विथ वाट आर डिटर्मिनर्स होते क्या हैं पहली बात तो वॉट आर डिटर्मिनर्स ठीक आर वर्ड्स दैट आर यूज बिफोर नाउन्स टू इंट्रोड्यूस स्पेसिफाई और डिटमाइन नाउन्स कोई भी नाउन आपको पता है कि नेमिंग वर्ड्स कोई भी पहले नाउन आप आइडेंटिफाई करोगे सेंटेंस में फिर उसके पहले जो वर्ड आते हैं जस्ट बिफोर दी नाउंस जो वर्ड्स आते हैं उनका काम क्या होता है इंट्रोड्यूस करते हैं नाउन को स्पेसिफाई करते हैं उसको डिटरमाइन करते हैं तो वो नाउंस के पहले जो वर्ड्स यूज होते हैं दे आर एक्चुअली डिटरमाइनर्स वो डिटरमाइन करते हैं नाउन को तो दे आर कॉल्ड डिटामाइनर्स वर्ड्स विच कम बिफोर नाउंस की और उनका काम क्या होता है इंट्रोड्यूस करना स्पेसिफाई करना डिटरमाइन करना के लिए इनको बोलते हैं डिटर्मिनर्स नाउ डिटर्मिनर्स आर ऑफ फोर टाइप्स चार टाइप्स के रहते हैं फर्स्ट इज आर्टिकल्स आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं अंद सिंगुलर प्लूरल देन वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव देन वी हैव पजेजिव देन लास्ट फोर्थ इज क्वांटिटेटिव अभी डिटर्मिनस क्या हैं वर्ड्स जो नाउन के पहले आते हैं बट ये कौन से चार तरह के हो सकते हैं ये आर्टिकल हो सकते हैं डिमॉन्सट्रेटिव हो सकते हैं पजेजिव हो सकते हैं क्वांटिटेटिव हो सकते हैं चार तरह के वर्ड्स हो सकते हैं अगेन आप बोलोगे ये होते क्या हैं तो लेट मी टेल यू ठीक लेट्स ब्रीफ यू अबाउट दिस टाइप्स पहले आर्टिकल्स आर्टिकल्स क्या होते हैं डेफिनेट आर्टिकल इनडेफिनेट आर्टिकल आर्टिकल अ एंड डेफिनेट द ये जो आपने बचपन से लेके पढ़ते आ रहे हो द ओके ये आर्टिकल है ये आर्टिकल नाउन के पहले आते हैं तो ये भी डिटर्मिनर्स हैं की देन वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव डेमानस्ट्रेटिव क्या होता है दे पॉइंट आउट नाउन डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स क्या करते हैं दे पॉइंट आउट नाउन जैसे दिस दैट दिस दोस दिस बुक दैट बुक दिज बुक्स दोज बुक्स तो ये नाउन के पहले ही आते हैं और ये क्या करते हैं पॉइंट आउट करते हैं नाउन को तो दिस दैट दिज दोस ये भी क्या हैं डिटर्मिनर्स हैं कौन से टाइप के हैं डेमॉन्स्ट्रेटिव टाइप के हैं दिस यूज़ होता है कोई चीज़ हमारे पास में है तो दिस बुक पर अगर दूर है तो हम बोलते हैं दैट बुक कोई चीज़ पास में है तो दिस पेन दूर है तो दैट पेन और ये जो है प्लूरल के लिए अगर कोई पास में चीज़ है पर प्लूरल में है दीज बुक्स और अगर दूर है तो दोज बुक्स दिस दैट सिंगुलर के लिए दीज दोज प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं देन वी हैव पजेजिव पजेजिव क्या होते हैं शो पजेसन और ओनरशिप कोई चीज़ आपकी है आप पजेस करते हो आप उसके ओनर हो आप उसके मालिक हो कोई भी चीज़ की कि पजेशन तो पजेशन वाले वर्ड भी क्या होते हैं डिटर्मिनर्स होते हैं जैसे माए योर हिज़ हर आर देर इट्स ये सब क्या है पजेशन जो होते हैं माई बुक योर बुक हिज़ बुक हर पेन पजेशन मेरा तुम्हारा हमारा तो ये वर्ड्स जो हैं पजेशन दिखाते हैं तो ये वर्ड भी क्या है? हैं डिटमिनर्स हैं लेट्स कम टू दी लास्ट टाइप दैट इज क्वान्टिफायर्स क्वान्टिफायर जैसे आपको पता चलता है दे गिव क्वांटिटी ठीक जैसे मच लिटिल सम एनी इनफ ऑल होल ये क्या है क्वांटिटी बताते हैं मच लिटिल सम एनी इनफ ऑल क्वांटिटी बताते हैं तो डिटर्मिनर्स पहले तो क्या होते हैं वर्ड्स जो नाउन के पहले आते हैं और नाउन को स्पेसिफाई करते हैं या डिटरमाइन करते हैं देन वी हैव वो जो वर्ड होते हैं जो नाउन के पहले आते हैं चार तरह के हो सकते हैं दे कुड बी आर्टिकल्स दे कुड बी डेमोन्स्ट्रेटिव दे कुड बी पजेसिव दे कुड बी क्वांटिफायर्स ये चार तरह के वर्ड्स जो हैं नाउन के पहले आ सकते हैं तो ये चारों के चारों डिटर्मिनर्स हैं एक आर्टिकल आता है अ बुक द बुक दिस बुक दैट बुक ये डेमॉन्स्ट्रेटिव माई बुक पजिजिव की सम बुक्स क्वान्टिफायर्स तो ऐसे वर्ड जो नाउन के पहले आते हैं दीज आर डिटर्मिनस दीज आर ऑल फोर टाइप्स ऑफ डिटर्मिन सो दैट यू अंडरस्टैंड बेटर ही हैज कार बट द कार हैज बीन गिवन फॉर सर्विसिंग नाउ पहले तो आप क्या करोगे यू विल डू इज आइडेंटिफाई नाउन यहां पे कार नाउन है तो नाउन के पहले जो वर्ड आया जैसे अ कार द कार तो ये जो वर्ड्स है अ कार द कार तो अ और द क्या है जो रेड में मार्क किए हैं दीज आर डिटर्मिनस अ एंड द आर डिटर्मिनस कौन सा टाइप है आर्टिकल्स देन ही वॉन्ट्स टू बाय माई हाउस अभी हाउस इज अउन राइट तो माई हाउस दो वर्ड जो नाउन के पहले आया दैट इज माई हाउस माई क्या शो शो करता है पजिशन तो माई इज डिटर्मिनर कौन से तरह का डिटर्मिनर है पजेजिव डिटर्मिनर इज माई हाउ मच सॉल्ट डू यू नीड अभी वट इज इन नाउन हियर सॉल्ट तो सॉल्ट के पहले जो वर्ड आया मच तो मच इज डिटर्मिनर कि किस तरह का डिटर्मिनर है क्वांटिफायर क्योंकि ये क्वांटिटी बताता है देन शी हैज गिवन मी दिस बुक फॉर रीडिंग अभी इन दिस लाइन इफ यू सी बुक इज नाउन राइट तो नाउन के पहले जो वर्ड आया दिस दिस इज डिटमिनर किस तरह का डिटर्मिनर है दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है पॉइंट आउट कर रहा है दिस बुक सो दिस इज डिटमिनर देयर आर सम मार्बल्स लेफ्ट इन द बॉक्स नाउ मार्बल्स क्या है नाउन है तो नाउन के पहले जो वर्ड आया सम सम क्या है डिटमिनर क्योंकि ये क्वांटिटी बताता है तो दिस इज क्वांटिफायर सम मार्बल्स तो क्वांटिफायर पर यहाँ पे एक और भी है जैसे बॉक्स इज नाउन द बॉक्स के पहले क्या आया द बॉक्स तो द इज ऑल्सो डिटर्मिनर बट द क्या है आर्टिकल है दिस इज आर्टिकल जॉनी हैज एन अम्ब्रेला विथ थ्री फोल्ड्स नाउ पहले तो नाउन आइडेंटिफाई किया अम्ब्रेला ठीक है उसके पहले जो वर्ड आया इट इज एन एन अम्ब्रेला तो एन इज डिटर्मिनर किस तरह का डिटर्मिनर है इट इज़ एन आर्टिकल दोज फ्लावर्स विल बी यूज फॉर बुकेस अभी फ्लावर्स क्या है नाउन नाउन के पहले जो वर्ड आया दोज तो दोज इज डिटर्मिनर किस तरह का डिटर्मिनर है डिमॉन्स्ट्रेटिव बिकॉज वो पॉइंट आउट कर रहा है दोज फ्लावर्स तो दोज इज डिटर्मिनर दैट वॉज आवर आइडिया नाउ आइडिया इज नाउन नाउन के पहले जो वर्ड आया आवर इज डिटमिनर बट किस तरह का डिटर्मिनर है इट शोज पो इज पो यू सॉ इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स डिटर्मिनस कहाँ पे आ रहे हैं नाउन के पहले जो भी रेड में मार्क किए हुए हैं दीज आर ऑल डिटर्मिनस नाउन के पहले आ रहे हैं इट कुड बी एन आर्टिकल इट कैन बी अ पजिजिव वर्ड इट कुड बी अ क्वान्टिफायर इट कुड बी अ डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड चार तरह के वर्ड्स हैं जो नाउन के पहले आ सकते हैं एंड दीज मेक द डिटर्मिनस आई होप इट विल बी क्लियर टू यू नाउ वट आर डिटर्मिनर्स ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरीज एनी सजेशंस और एनी रिक्वायरमेंट्स ऑन पर्टिकुलर टॉपिक तो यू कैन रीच मी एट लर्न विथ बी एस at the redgmail.com or you can write in the comment box.